सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द डे 4 ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज। सो लगभग मैं 3 बजे तक उठ गया था एंड आज की ब्लॉग स्टार्ट होती है वीडियो एडिटिंग से, क्योंकि हमारे घर के दोनों साइड के मंडल के लाउड स्पीकर पूरा दिन भर बजते रहते तो जरा भी मौका नहीं मिलता है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो इसलिए कुछ दिनों से ये काम मुझे ये टाइम पे करना पड़ रहा है। फिर वीडियो एडिटिंग करने के बाद मैं हल्का सा फ्रेश होके अपना लॉ का रिविजन स्टार्ट कर देता हूँ एंड आज मैं टीका का यूनिट 3 रिविजन कर रहा हूँ। एंड कई सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लॉ कैसे कर रहे हो, आपने लॉ कैसे किया। सो देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी क्लासेस कंप्लीट किया, फिर मैं यूनिट वाइज नोट्स बना रहा हूँ एंड उसी को मैं डेली रिवीजन कर रहा हूँ। और जैसे मुझे लगता है कि मुझे एक यूनिट प्रॉपरली आ रहा है तो उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन होते उसे सॉल्व कर लेता हूँ आदर्श जोशी सर के लेक्चर के थ्रू। एंड मैं उनके लेक्चर का प्लेलिस्ट पिंक कमेंट में डाल दूंगा। एंड लॉ का रिवीजन करने के बाद मैं चने खाकर अपने आउटडोर वर्कआउट के लिए निकल जाता हूँ एंड वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले वार्म अप करता हूँ एंड देन कुछ लेग्स की वर्कआउट करता हूँ एंड देन पुशअप लगा के अपने वर्कआउट को कंप्लीट करता हूँ। फिर 5 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस करके मैं घर के लिए निकल जाता हूँ एंड देन घर पे आने के बाद फ्रेश होके डायरेक्ट लंच कर लेता हूँ। एंड ये अभी मैं जा रहा हूँ डिसम्बर 22 का अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। और किसी ने तो कमेंट किया था कि प्लास्टिक के बोतल से पानी मत पिया करो, वो अच्छा नहीं होता है। और मैं भी उनकी बात से अग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक के बोतल से पानी नहीं पीने का और जो प्लास्टिक के जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होने लगते पानी के अंदर। सो उनकी बात सुन के मैं ये लेकर आ गया हूँ। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ 1 लीटर ही पानी आता है। तो एक मिनट, इसका प्रॉब्लम है कि मेरा प्रॉब्लम है? मतलब 1 लीटर का मैंने लिया तो 1 लीटर ही पानी आएगा ना, वो तो अपनी जगह ठीक है ना। अरे तो उसका ये है कि सिर्फ इसमें 1 लीटर ही पानी आता है तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा नीचे। तो कोई बात नहीं, जब तक बड़े का इंतजाम नहीं होता तब तक इसी से काम चलाएंगे। और अकाउंट्स का क्वेश्चन करते करते मैंने अपनी कई सारी गलती आइडेंटिफाई किए, जैसे कि मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। पूरे 3 आवर्स हो गए थे बट मेरा स्टिल क्वेश्चन नंबर 5A तक ही हुआ था और ऊपर से मैं इतना स्पीड और गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहा था फिर भी। और जब इतनी सिली मिस्टेक कारण टेली नहीं होता है ना तो दिल से बुरा लगता है। और जैसे ही मैं लंच करने जाता हूँ वैसे ही अचानक से अभिषेक आ जाता है तो मुझे रोटी चबाते चबाते उसके साथ जाना पड़ता है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि दोस्ती का धर्म निभाते निभाते मैं किसी बड़ी संकट में ना पड़ जाऊँ। पर वहाँ पहुँचते ही राज ने खाना ऑफर किया एंड ये लोग को देखो, ये लोग अपने आप को देख रहे ब्लॉग में। और कुछ घंटों बाद अभिषेक मुझे फिर से घर पे छोड़ देता है। तो चलो अभी अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और पता है मैं क्या करता हूँ, और दिखाता हूँ। मैं कभी भी ना मैथ्स की प्रैक्टिस करने से पहले ना अकाउंट्स की प्रैक्टिस करता हूँ और फॉर्मूले में जो स्पेस बचा होता है ना उसी में मैं अपना मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और आज मैं मैथ्स का चैप्टर 5 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज ये भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये चैप्टर बहुत परेशान किया था पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गया वैसे वैसे अब थोड़ा इजी हो गया है। और कई लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मुझे मैथ्स समझ में तो आ गया है पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो रॉन्ग हो जाता है। तो देखो, इसका 3 सॉल्यूशन है। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा भी है प्रैक्टिस। हाँ गाइस, आप सही सुने, प्रैक्टिस। इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। निशान सर भी यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। और मैथ्स की प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद मैं अपना सेकेंड वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले 30 नॉर्मल पुशअप लगाता हूँ, फिर कुछ डायमंड पुशअप, फिर 30 इंक्लाइन पुशअप, 30 डिक्लाइन पुशअप और 40 ये वाला वर्कआउट कर लेता हूँ। एंड देन 2 मिनट प्लैंक होल्ड करके मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ। एंड किसी ने तो कमेंट किया था कि मैं अपना डाइट कैसे बनाता हूँ। सो देखो, सबसे पहले ऑयल में जीरा और ब्लैक सरसों डाल देता हूँ और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत काट लेता हूँ। एंड ये ओट्स है जो कि मैंने 50-20 मिनट्स पहले भिगो के रखा था और ये सोया चंक जो कि 4-3 आवर पहले भिगो के रख देता हूँ। और सबको मिक्स कर लेता हूँ ओट्स को छोड़ के। ओट्स को लास्ट में ऐड करता हूँ जब सोया चंक थोड़ा बहुत रेड हो जाता है। एंड फिर अच्छे से मिक्स करके जो भी नमक हल्दी मसाला मसाला डालने का वो डाल देता हूँ। एंड ये लोग कुछ ही देर में रेडी हो जाते हैं। मैंने थोड़ा ऊपर से मुरमुरा डालो ताकि थोड़ा बहुत क्रिस्पी हो जाए। एंड ये मैं 4 से लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे कुछ रिवीजन नोट्स बनाने का था। और वहाँ से आने के बाद मैं आरती अटेंड कर लेता हूँ। वैसे मम्मी बोलती है कि रोज अटेंड करने के लिए, पर मैं ही नहीं जाता हूँ। और आरती अटेंड करने के बाद मैं अपना बुक रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ और ऑथर आज कुछ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं। एंड प्रॉब्लम 3 से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ एंड मुझे लगता है कि मैं ही सिर्फ नहीं, आप लोग भी बहुत रिलेट कर पाओगे। हम अक्सर बोलते हैं कि अगर मैं ये अचीव कर लूँगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, मैं वो अचीव कर लूँगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। बट ऑथर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने हैप्पीनेस पर रिस्ट्रिक्शन ही लगाना है कि मैं ये अचीव कर लूँगा तब मैं हैप्पी हो जाऊँगा। रदर आपको अपने प्रोसेस से हैप्पीनेस मिलना चाहिए, आपको अपने प्रोसेस से प्यार
होना चाहिए ताकि आप उस जर्नी में लॉन्ग टाइम तक टिक सको एंड उस प्रोसेस को एंजॉय कर सको।